और हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितने देर तक बनारस में रुकने वाले हैं और क्या कोई संबोधित करने का भी कार्यक्रम है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 5 बजे के करीब जो है वो यहाँ पर सांसद संस्कृति महोत्सव के अंदर जो है वो एक भाषण होगा उनका, और उससे पहले लगभग 2 बजे के करीब जो है वो वाराणसी का जो क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ उद्घाटन के साथ साथ जो है वहाँ के लोगों को संबोधित भी करेंगे जो वहाँ पर मौजूद होंगे। यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ये तीसरा संबोधन हो दिन में, और वाराणसी के अंदर खासतौर पर ये 2 संबोधन होने हैं, क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन समारोह में और साथ ही साथ जो है सांसद संस्कृति महोत्सव जो है मनाया जा रहा है उसमें भी, और साथ ही कई ऐसी परियोजनाएं जो आम जनता को राहत देती हो, उनके जीवन को और सुगम बनाती हो, उनका भी जो है शिलान्यास और ये कह सकते हैं कि उन योजनाओं का कुछ योजनाओं का शुभारंभ भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाए। हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि ग्लोबल है, वो ग्लोबल तौर पर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, दुनिया में उनकी दीवानगी कहीं से छुपी नहीं है, और खासकर अहम तब हो जाता है जब काशी में उनकी मौजूदगी है और वो वहां के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कैसे लोग स्वागत कर रहे हैं? तस्वीरें हालांकि देख रहे हैं लेकिन सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से है, क्या गर्मजोशी है और क्या कुछ तैयारी है? जानकारी मिल रही है कि बनारस में तमाम जो घरों में रोशनी की गई है स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देखिए, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इमेज है वो ग्लोबल इमेज है, लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी आशुतोष, गाहे बगाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी न किसी कारण से जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा क्षेत्र वाराणसी का दौरा करते रहते हैं, और इसीलिए वाराणसी की जनता के बीच में उनका लिए जो प्यार है वो हमेशा नजर आता है। और 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लोकसभा चुनाव जीते तो हम सब जानते हैं कि वाराणसी के अंदर किस तरीके की समस्याओं से जो है मूलभूत जो समस्याएं थी उनका निवारण करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी भूमिका निभाई। चाहे वो आप भी बनारस गए हों, जो हमारे दर्शक बनारस गए हों 2014 से पहले, सबने देखा होगा कि वहाँ किस तरीके से जो है काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर हो या काल भैरव का मंदिर हो या जो है संकट मोचन का मंदिर हो, वहां पर जो है आप वाराणसी की गलियों में निकले तो वहां पर आपको जो है बिजली की तारे यानी इलेक्ट्रिक वायर्स दिखती थी, उनको अंडरग्राउंड करने का काम, वहां सड़कें, वहां ट्रैफिक को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है कि ट्रैफिक जाम ना हो, ये तमाम चीजें जो है वो की गई, और साथ ही साथ जो है वाराणसी के जो घाट हैं उनका सौंदर्यीकरण का काम हो या वहाँ साफ सफाई का कार्यक्रम हो, वो तमाम चीजें जो हैं 2014 से अभी तक की गई हैं। और ऐसा नहीं है कि वाराणसी जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो उनका स्वागत होता है, लेकिन इस बार खास जो है वो मौका है, G20 की जो सफल बैठक हुई है उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने लोकसभा क्षेत्र पहुंचे हैं, और उसमें वाराणसी की जनता के द्वारा जो है घरों पे लाइट लगाई गई है उनके स्वागत के लिए, तो ये कहा जा सकता है कि वाराणसी के लोग के मन में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्यार है वो इससे जाहिर भी होता है। लेकिन एक चीज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते कि जब उनको वाराणसी जाने का मौका मिले और वो ना जाए। बिल्कुल हिमांशु, और मैं तो खुद भी पूर्वांचल से ताल्लुक रखता हूं और काशी विश्वनाथ के बहुत दूर मेरा घर नहीं है, तो मैंने देखा है वहां पर बदलाव, और साथ ही काशीवासियों के लिए बहुत एक खुशखबरी है कि एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके सांसद वहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मौजूद है देश के, और सबकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, टीम इंडिया के दिग्गज जो महान क्रिकेटर्स हैं उनका भी जमावड़ा है काशी में, सचिन तेंदुलकर हैं उनमें, दिलीप वेंगसरकर हैं उनमें, सुनील गावस्कर हैं, कपिल देव की मौजूदगी है, तो लोगों के लिए और ज्यादा एक कहते हैं एक्साइटमेंट या खुशी वो इजहार कर पा रहे होंगे, और उनके लिए एक पल है, ऐतिहासिक लम्हा है उनके लिए भी। देखिए, बिल्कुल ऐतिहासिक लम्हा है, और क्योंकि वाराणसी की जनता के सामने इतने बड़े दिग्गज क्रिकेटर वहां पर मौजूद हैं, और वो भी तब जब वाराणसी के अंदर एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बनाया गया हो और उसका उद्घाटन समारोह जो हो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें और वहां पर क्रिकेट के दिग्गज आपको नजर आए, सचिन तेंदुलकर जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो क्रिकेट के भगवान हैं, वहां दिलीप वेंगसरकर हो, वहां कपिल देव हो, सुनील गावस्कर हो, लिटिल मास्टर के नाम से हम सब जानते हैं, वो लोग जिनको सिर्फ वाराणसी की जनता ने टीवी पे देखा है मैच खेलते हुए, अगर उनको वो
प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वाराणसी की जनता आज इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शायद धन्यवाद दें। लेकिन इतना जरूर है कि सांस्कृत महोत्सव के साथ साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने कामकाज के साथ साथ खेलों को कैसे बढ़ावा देते हैं, इससे भी पता चलता है कि आज वो एक ऐसे स्टेडियम का उद्घाटन करने जा रहे हैं जो विश्व स्तरीय हो, और आने वाले दिनों में हो सकता है जल्द ही जो है आपको वहां पर इंटरनेशनल मैचेस देखने को मिले, आईपीएल के मैचेस देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसा भी होगा क्योंकि इस तरीके का स्टेडियम बनाया गया है जो इंटरनेशनल सुख सुविधाओं से पूरी तरीके से लेस हो, वो चीजें है जो एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम के अंदर है, तो हो सकता है जल्दी ही यहाँ पर आईपीएल के मैचेस और इंटरनेशनल मैचेस आपको देखने को मिले। और सबसे पहला कार्यक्रम क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, चूंकि उनका आगमन हो चुका है हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ से शुभारंभ कहाँ से होने वाला है, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ शिलान्यास या फिर क्या सौगात देने वाले हैं? देखिए सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अटल आवासीय योजना का शुभारंभ करेंगे, और वहीं पर एक साथ जो है 1561 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका भी जो है शुभारंभ करने और शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। कई योजनाओं की शुरुआत होगी और कईयों का उद्घाटन होगा, तो कहीं ना कहीं पहली शुरुआत और उसके बाद सीधा जो है वाराणसी में जो क्रिकेट का स्टेडियम बना है उसमें जाए, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के बीच तमाम तफसील से जानकारी पहुंचाने के लिए।